हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे व्लॉग में आप लोगों का। आज हम आपके साथ फिश करी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले मछली को अच्छे से धुल ले रहे हैं और हम थोड़ा बहुत व्यवस्था करके रख देंगे, अभी दीदी बनाएंगी। ये देखिए, हम अच्छे से मछली को धुल ले रहे हैं। दो तीन पाली में इसको अच्छे से धुला जाता है। ये देखिए, ये हमने पानी बदल दिया था, पर पानी बदल दिया था, उसमें धुलाया। इसको हम अच्छे से रख लेंगे दूसरी जगह। फिर ये देखिए, हमने रख लिया है। फिर हम एक साफ पानी लिया है उसी बाउल में, बड़े वाले। फिर हम इसको एक बार अच्छे से धो लेते हैं। देखिए, हमारी मछली एकदम साफ दिख रही है ऊपर से। बरसात का समय है ना, अच्छे से धुल लेना चाहिए मछली को। देखिए, इसमें से भी हम धुल के उसमें रख ले रहे हैं। फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे इसमें, और हल्का सा नमक भी ऐड करेंगे। उसके बाद से हम इसको मिक्स करेंगे। हाथ से ही मिक्स कर दिया है अच्छे से। और इसमें मुझे अभी हल्दी थोड़ी कम लग रही है, तो अभी मैं इसमें थोड़ी हल्दी डालूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिला दिया है। मुझे थोड़ी सी हल्दी इसमें कम लग रही है, तो मैं इसमें हल्दी अभी मिलाती हूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और देखिए, अब हम जा रहे हैं इसमें हल्दी ऐड करने। और आप लोग फिश कड़ी कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए, हल्दी हमने थोड़ा सा डाल दिया है। अब हम इसको हाथ से ही अच्छे से पूरा मिला लेते हैं, क्योंकि वो उस तरह मिल नहीं रहा था। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तवे पे, लोहे के तवे पे। ये देखिए, हम फ्राई कर रहे हैं लोहे के तवे पे। ये हमने आधा फ्राई कर दिया है। फ्राई करके रख देंगे। दीदी अभी पेस्ट बना रही होंगी, वो बनाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट भी तैयार है सरसों का, और जो भी लहसुन मिक्सचर आता है उसका। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब दीदी जा रही है इसमें तड़का लगाने। और वो जो पेस्ट बनाया गया है, सरसों, लहसुन, मिर्चा, हल्का सा प्याज, थोड़ा सा उसको डाल के यहाँ पे फ्राई करेंगी पहले अच्छे से, मतलब अच्छे से भून लेंगी। देखिए कितना अच्छा भून रहा है ये। ये देखिए, हमारा भुन चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कलर करने के लिए डाल दिया है। फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हल्का सा कलर भी आ गया है इसमें। ये देखिए, फिर हम इसमें हल्का सा गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए, गरम मसाला इसमें हमने ऐड कर दिया। टमाटर की प्यूरी यहाँ पे बना के रखी हुई थी। देखिए, मिक्सर में सरसों था थोड़ा सा और टमाटर था, डेढ़ टमाटर थे डेढ़। और इसको हम डाल देंगे। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी पेस्ट ग्रेवी बनाने के लिए। इसको
भूनेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और जब तेल छोड़ देगा फिर हम इसमें डालेंगे फिश। ये देखिए हल्का सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अब जब तक हमारा तेल नहीं छोड़ देगा पेस्ट, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे, फिर चलाएंगे, भूनेंगे। ये देखिए हमने हल्का सा पानी डाल के उसमें फिश डाल दिया था। फिश तो हमने फ्राई कर लिया था तो इसे ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारी फिश करी तैयार है। आप लोग भी बनाइए बिल्कुल देसी तरीके से, और जैसे मम्मी लोग बनाती हैं घर पर उस तरह से आज लोगों को बनाया गया है। और आप लोग भी बनाइए, फिर बने रहिए। आज लग हमारा बहुत मिलकर